नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा एक में पर्यावरण, उसके अंदर जाते हमारा पाठ 10। इस पाठ में पकाएं खाएं भोजन पकाने की विधियां, भोजन पकाने के तरीके बताए गए हैं। उसी में आगे एक चैप्टर है, टॉपिक है उसमें बनाए खाए। बनाए खाए का मतलब है कुछ ऐसी चीजें बनाए जिनसे हमें पोषकता अधिक प्राप्त हो और भोजन हमारे लिए, हमें संतुलित भोजन के लिए और हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज लवण मिले। विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन, ये आप जानते हैं भोजन की कुछ विशेषता होना चाहिए, तभी जो है सब चीजें हमें प्राप्त होती है। इनमें से ज्यादातर हरी सब्जियां, कुछ कच्चे कटे हुए फल कंद इत्यादि और सलाद के रूप में मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, अदरक, धनिया, हरा धनिया और यदि सीजन है अमरूद का है, उसी में लोग अमरूद की अलग से सलाद बनाते हैं। अमरूद में से यही सब जाते हैं, हरा धनिया, नमक इत्यादि, तो उससे भी एक तरह का हमें पोषकता प्राप्त होती है। कुछ फल पके हुए फल भोजन के बाद और लगभग हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और पोषक तत्व जो है वो समृद्धि रहते हैं। विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीजें हमको पर्याप्त मात्रा में जिस भोजन को उपस्थित हो उनको लेना चाहिए। सब्जी दाल के अलावा साथ में कुछ कच्चे कटे हुए पदार्थों, सलाद इत्यादि बना करके खाना चाहिए। उनसे भी हमें पर्याप्त पोषकता और हमारे भोजन में भोजन रुचिपूर्वक हो जाता है और जो भोजन की आरोग्य होती है वह समाप्त हो जाती है। तो हमें ऐसा लगभग प्रतिदिन खाना चाहिए और भोजन बदल बदल के करना चाहिए। एक ही प्रकार का भोजन करने से भी लाभ नहीं है। जब भोजन आप बदल बदल के करेंगे, दाल है तो अलग प्रकार की दाल बनाए या मिक्स दाल बनाए, कई दाल मिला करके बनाए, तो मिक्सचर बने जिसमें अनेक चीजें मिला करके एक बनाया जाता है और मिक्सचर कहलाता है। जैसे आपके मूंगफली के दाने हैं, नमकीन है, सूखे पोहा के दाने हैं और उसी के साथ साथ हमारे जो जैसे चना है, अंकुरित सलाद है, मूंग है, अंकुरित सोयाबीन के दाना है, अंकुरित ऐसी चीजें खुला करके खाने से हमें पोषकता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बच्चों, ये सब करने के लिए हमको कुछ तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों में से कुछ तरीके आपको मैं बताऊंगा, वह सकते हैं। जैसे
बताया गया है कि बनाए खाने में क्या बनाना है, चल में क्या है पूरा अभी
दर्दों के दिनों में हम और भी तरह जैसे पुदीना है, शक्कर है, ये मिला करके बोल करके शक्कर पीते हैं,
अगर पसीना नहीं है तो नींबू का रस पिला करके पीते हैं, साथ साथ में कुछ मात्रा में जो पाचक नमक आता है वह हल्का नमक भी लगाया जा सकता है, उसे पीना गर्मी के मौसम में लाभकारी होता है। हरा पुदीना का शरबत पीना तो भी लाभकारी होता है। ये जो तमाम तरह के साइक्लिन वगैरह खुली हुई शरबत आती है ये हमें हानि पहुंचाती है, हमें ज्यादातर अपने हाथ से बना हुआ सेकेंडरी बना करके पीना या नींबू का रस मिला करके उसमें शरबत बना करके पीना, पुदीना हरा पुदीना गर्म होता है तो अच्छी बात है। इन सबको का शरबत पीना ये जैसे छाछ है, छाछ मट्ठा मट्ठे में आप जो है शक्कर मिला करके हल्का नमक मिला करके और उसमें पीना ये भी लाभकारी होता है। रायता बना करके चकली कीड़ा इत्यादि को महीन काट करके और उसमें मधुबा इत्यादि मिला करके हरा धनिया मिला करके पीना वह भी बहुत लाभकारी होता है। और भुना हुआ सत्तू आता है तने का, वह सत्तू पीना या खाना वह भी हमारे गर्मियों के दिनों में हमें लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह से बच्चों यदि हम इन सब की प्रयोग करते हैं, मिर्चा भोजन बना करके खाते पीते हैं तो हमें जो कुछ विटामिन नहीं मिल पाते हैं ऐसे भोजनों के द्वारा मिक्सर भोजनों के द्वारा हमें विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। साथ में प्रतिदिन कोई ना कोई फल लेना या फल का मिक्सर बना करके खाना, जैसे पका हुआ आम है, पका हुआ पपीता है, केला है, अमरूद है, अंगूर है, नाशपाती है, सेव है, संतरा है, इन सब चीजों को खाना ये हमारे शरीर में काफी मात्रा में विटामिन और खनिज लवण हमें प्रदान करते हैं। तो आपका शरीर इन सब चीजों को खाने से स्वस्थ रहता है और आपकी उचित जो वृद्धि होना चाहिए समय पर उतनी वृद्धि होती है, विकास होता है और आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमें इन सब चीज के प्रयत्न करके हमें इस तरह के भोजन प्राप्त करना चाहिए। जैसे गन्ने का रस है, गन्ने के रस में नमक और हल्का नमक मिला करके उसे ठंडा करके पीना लाभकारी होता है, उसमें बहुत से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। गुड़ है, गुड़ खाने से भी हमें काफी पोषकता प्रदान होती है, बने हुए तने हैं तो भी खाना हमारे लिए लाभकार होता है। और जो फल आप जिस सीजन में मिल सकते हैं समय समय पर उन फलों को खाना लाभकारी होता है। तीसरे बच्चों जो कोई इस तरह से भोजन करता है वह सदैव स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहता है और हमेशा
मतलब भी कर दिया। ठीक आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।